हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग 6 सितंबर के करंट अफेयर देखते हैं, 6 से लेकर 10 सितंबर तक के करंट अफेयर, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 सितंबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। इसकी व्याख्या है, बजाज एयरलाइंस लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2001 मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ तरुण चगू बने हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब। इसका उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य है शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा के प्रति शिष्यों को जागरूक करना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? इवेन ब्रावो बने हैं और वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो अडानी ग्रुप। इसकी व्याख्या है, अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988, मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात, चेयरमैन गौतम अडानी, सीईओ करण अडानी है। नेक्स्ट है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेस बुक पुस्तक लॉन्च की है? तो UNEP की है। UNEP के बारे में देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना 5 जून 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। नेक्स्ट है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार श्रीवास्तव को किया गया है। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी जागरेब है, करेंसी क्रोएशियाई कूना है, प्रधानमंत्री एंडेज प्लेडमिक है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी। डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री है। नेक्स्ट है, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी सेना नौसेना है? तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षक और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो असम। इस विधेयक ने असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने COVID-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट की विकसित किया है? तो COVID-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। टाटा स्टील के बारे में देखें, 26 अगस्त 1907, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, सीईओ TV नरेंद्रन। नेक्स्ट है, SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत करेगा। SCO के बारे में देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई सहयोग संगठन, स्थापना 19 सितंबर 2003, मुख्यालय बीजिंग चीन, वर्तमान में SCO के 8 सदस्य हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। सिक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 2। इसकी व्याख्या है, इस रैंकिंग में जगह पाने वाले भारत के 2 इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर। अब हम लोग देखते हैं 7 सितंबर के करेंट अफेयर। तो पहला है, इटली में भारत का भारत राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। इसकी व्याख्या है, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी रोम, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री जेसेप कांटे, राष्ट्रपति सर्जियो मार्तेरेला। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो असम। इसकी व्याख्या है, असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। नेक्स्ट है, ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, 7 सितंबर को मनाया गया। इसकी व्याख्या है, ब्राजील को 7 सितंबर 1882 को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली और इसी के उपलब्ध में ब्राजील स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया? तो डॉक्टर राजकुमारी चौहान। इसकी व्याख्या है, शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजकुमारी चौहान देहरादून की है। नेक्स्ट है, किस IIT ने
N95 मास्क को कीटाणु रहित के लिए चक्र टिकाव लॉन्च किया है तो IIT दिल्ली। इसकी व्याख्या है, यह ओजोन आधारित डिवाइस है जिसकी मदद से मास्क को 10 गुना तक दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून की 1414 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया गया है तो मुकेश अंबानी। इसकी व्याख्या है, फॉर्च्यून की 40 Under 40 की लिस्ट में ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी रिलायंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। नेक्स्ट है, ब्लिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है तो अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, रम्मी और पोकर एक तरह का ऑनलाइन जुआ होता है। नेक्स्ट है, किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इसका उद्देश्य है शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एन जोंगो किसने लॉन्च किया है तो किरेन रिजिजू ने किया है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। इन जोंगो प्रशिक्षण ऐप भारत में युवा फुटबॉल्टों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचने में सक्षम करेगा। इसकी व्याख्या देखिए, ब्राज़ील को 7 सितंबर 1882 को पुर्तगालियों ने आज़ादी मिली और इसी के उपलक्ष्य में ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर राजकुमारी चौहान को किया गया है। इसकी व्याख्या है, शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजकुमारी चौहान को टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजकुमारी चौहान देहरादून की है। नेक्स्ट है, किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोड लॉन्च किया है तो IIT दिल्ली किया है। नेक्स्ट है, किसने 60 Starlink आगरा लॉन्च किया है तो स्पेस एक्स। इसकी व्याख्या है, स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002, संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क, मुख्यालय कैलिफोर्निया USA, अध्यक्ष गेविनी शार्टवेल है। नेक्स्ट है, सिडबी ने MSME की पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्थापना 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ UP है, चेयरमैन एंड MD मोहम्मद मुस्तफा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है तो जर्मनी। नेक्स्ट है, किस IIT ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है तो IIT मद्रास। इसकी व्याख्या है, जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान के अनुसंधान के लिए यह डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है। अब हम लोग देखते हैं 8 सितंबर के करेंट अफेयर। पहला है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा तो आंध्र प्रदेश। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थितियों को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है तो पियरे गैस्ली। पहला स्थान है पियरे गैस्ली, दूसरा है कार्लोस सैन जूनियर, तीसरा लोस स्टॉक। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है तो 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए लोगों में जागरूक करना है। नेक्स्ट है, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है तो लिसा कैंपवेल हुई है। कनाडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1 मार्च 1889, मुख्यालय लैंगनिट क्यूबी है। नेक्स्ट है, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है तो श्रीलंका। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सिक्योर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। स्थापना 6 जून 1997, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वाटर सेड परियोजना शुरू की है तो कर्नाटक शुरू की है। इसकी व्याख्या है, वाटर सेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग द कोकुन पुस्तक लॉन्च हुए यह पुस्तक किसने लिखी है तो राधा नायर लिखी है, भारतीय हैं। नेक्स्ट है, पांग लुपसोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है तो सिक्किम। इसकी व्याख्या है, पांग लुपसोंग त्यौहार 3 दिन तक चलता है और आखिरी दिन छम के रूप में जाने वाला परंपरागत नीत होता है।
नेक्स्ट है, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो ब्राजील ने किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। इसकी व्याख्या है, इस स्कीम के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ड्रेस, किताबें, बेल्ट, जूते और मोजे भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? केमिची आयुक कापा। नेक्स्ट है, एसटीएम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, स्थापना जुलाई 2012, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है, अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अकिन बुकी आदिसेना। अफ्रीका विकास बैंक की स्थापना 10 सितंबर 1964, मुख्यालय एडिबजन कोट्स एन डी एन इग्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो आरबीएल बैंक ने की है। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, एमडी और सीईओ श्री विश्वेर आहूजा। आरबीएल बैंक के टैगलाइन है, अपनों का बैंक। नेक्स्ट है, राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाडन में शामिल किया जाएगा? तो गोल्डन एरो में शामिल किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 9 सितंबर के करेंट अफेयर। तो पहला है, किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब। इसकी व्याख्या है, भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। नेक्स्ट है, G20 के बारे में देखें तो ग्रुप ऑफ 20, G20 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999। भारत G20 का हिस्सा है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद, करेंसी सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री शाह सलमान। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो विकेश गुलाटी आशीष हर्षराज काले के स्थान लेंगे। फाडा के बारे में देखें, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, स्थापना 1964, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष विकेश गुलाटी है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे व्यापार प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है? तो मैथ्यू हेडन लिसा सिंह। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देखें, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है और लिसा सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की राजनेता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें तो इसकी राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट है, किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO ने किया है। इसकी व्याख्या है, भारत इस तकनीक को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। स्पीड साउंड के स्पीड से 6 गुना ज़्यादा है। DRDO के बारे में देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन विकिरण की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्र सरकार ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक मदद से मुहैया कराने के लिए 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की को शुरू किया है। थारव चंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। इसकी व्याख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पृथ्वीत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो UAE बन गया है। इसकी व्याख्या, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE एशिया महाद्वीप में स्थित, राजधानी अबू धाबी, करेंसी UAE दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने प्रोडक्शन डिजाइन कंपनी कॉलिड स्कोप इनोवेशन के अधिग्रहण किया है? तो इन्फोसिस। इसकी व्याख्या है, इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। मुख्यालय बेंगलुरु, अध्यक्ष नंदन नीलकानी, MD और CEO सलील पारेक है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो हिंदी और डोंगरी। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया में अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो VI रखा है। वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991, मुख्यालय लंदन, CEO निक रीड है।
नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है, नई कृषि पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट है, कतर ने श्रम कानूनों के संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 25%। कतर है, कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा, करेंसी कतरी रियाल, प्रधानमंत्री शेख खलादीन बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल यानी। नेक्स्ट है, किसने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर किया। स्पैरो पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य प्रणाली की जाँच करना है और सरकारी कामकाज के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल स्पायरल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। नेक्स्ट है, कौन सा देश क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो भारत। इसकी व्याख्या है, क्वाड मीट का उद्देश्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के साथ शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, निर्देशक जीरी मेंजेल का निधन हुआ है, ये किस देश किस सम्मान से सम्मानित थे? तो ऑस्कर पुरस्कार। जीरी मेंजेल चेक गणराज्य के रहने वाले थे। अब हम लोग देखते हैं 10 सितंबर के करेंट अफेयर। पहला है, अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल जैन। AITA के बारे में देखिए, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अखिल भारतीय टेनिस संघ, स्थापना मार्च 1920, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या है, बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, MD और CEO अंतनु कुमार दास, टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट है, शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 सितंबर। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो नितीश्वर कुमार। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो केरल। पहला केरल, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर। साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने का बढ़ावा देना है। थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एडनवन को सम्मानित किया गया है। डेविड एडनवन ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आर मुसाकुई को किया गया है। जमैका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित, राजधानी किंगस्टन, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एडी हॉन्स ने है हॉन्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो हरियाणा। इसकी व्याख्या, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। नेक्स्ट है, तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम। इसकी व्याख्या, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। वियतनाम के बारे में देखिए, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री ग्वेन जुआन फुक। नेक्स्ट है, फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो 10/10.5। इसकी व्याख्या है, फिंच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, CEO पॉल टेलर है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान को शुरू किया है। व्हाट्सएप पेरेंट कंपनी फेसबुक है। स्थापना 24 फरवरी 2009, मुख्यालय कैलिफोर्निया, CEO जॉन कॉम है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने लॉर्ड लेडेन एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीप के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ।
इसकी व्याख्या है, इस सेवा के तहत अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है और उसके इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो उसे एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट, किस राज्य का विरोधी नगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।